तो अगर अगर ये ये अगर ये ट्रॉफी मुझे किसी को भी देना हो तो मेरी कंपनी की सी को मैं जरूर दूंगा अपूर्वा मेहता क्योंकि मेरा साथ उन्होंने स्कूल कॉलेज और आज भी दे रहे हैं वो तो वो जैसे परिवार का हिस्सा से भी ज्यादा होता है वो बन चुके हैं तो आई वुर्वास शाहरुफकोर्स लेकिन वो तो बड़े भाई हैं तो उनको मैं बडी बुलाता नहीं मेरा मेरा रिश्ता उनके साथ कुछ ऐसा है कि मुझे एक्चुअली मैं कभी उनके साथ फ्रेंड या बडी की तरह बिहेव नहीं करता जब वो कमरे के अंदर आ जाते तो मैं खड़े हो जाता हूँ तो बहुत ही आदर करता हूँ इज्जत करता हूँ उनका तो बडी मैं बुला नहीं सकता बिकॉज दैट वुड डायलूथ द रिश्ता एंड द इम्पैक्ट ऑफ द रिलेशनशिप वी हैव बट डेफिनेटली अपूर्वा मेहता जो मेरी कंपनी की सी हैं ही इज माई बेस्ट पर्डी ऑफ द ईयर एंड ऑफ द डेकेड एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड लाइफ एंड एवरी आलिया, आलिया मैं मेरा नेचर थोड़ा सा क्लमजी है तो दैट्स समथिंग डील फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ पर हाँ मुझे हील्स में चलने की आदत नहीं इतनी ज़्यादा तो मैं कभी कभार गिरती रहती हूँ तो आई थिंक वी फॉल वी अप इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड जो पिक्चर uh, मेरे फादर बना चुके हैं जैसे ज़खम अर्थ सारांश uh, वो बहुत ही इंटेंस uh, फिल्म है आईव से और uh, बहुत ही बेहतरीन पिक्चर है

मैं अभी राजठ में होगा जी आई थिंक सी एफ मैंने एक ही पिक्चर किया अभी और उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ दर और uh, मैं जो किरदार निभा रहा हूँ रोहन नंदा का उसमें वो मेरे एज ग्रुप के आमने सामने है तो मैं ऑब्वियसली इस पिक्चर से ज्यादा आइडेंटिफाई करता हूँ क्योंकि मेरे एज ग्रुप के सामने है ऑफकोर्स हेल्दी कॉम्पिटिशन था कि वी हैव टू डू आर बेस्ट एंड यू नो दो लड़के हैं पिक्चर में course, आप लोग कंपेरिजन करेंगे बट हमारे रोल्स लकीली बहुत ही डिफरेंट है जिस तरह हम लोग एक सीन करते हैं या डायलॉग बोलते हैं सब अलग तरीके से करण ने डिसाइड किया था कि दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं अगर सेम hmm. होते तो बोरिंग होते तो uh, इसलिए आई थिंक ऑफकोर्स हेल्दी कॉम्पिटिशन था बट नथिंग लाइक कि बीवन uh, एवर we हम लोग कभी एक डायलॉग कह ही नहीं रहे थे कि यार कि uh, इसने बेटर किया है तो मैं मेरी बारी अब मैं ऐसा कर रहा हूँ ये कुछ और कर रहा है पिक्चर में मैं कुछ और कर रहा हूँ हम दोनों दोस्त हैं बट नथिंग लाइक यू नेवर फॉट ट्रीज अद